हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसमें हम बात करेंगे आज कंसिडरेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कंसिडरेशन सॉल्यूशन में हमने एक्टिविटी 2.2 में देखा था, वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप ए एंड बी ऑब्टेन डिफरेंट शेयर्स ऑफ सॉल्यूशन। सो वी अंडरस्टैंड दैट इन ए सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीफाइड डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, इट कैन बी कॉल्ड ए डिल्यूट। मीन्स कंसिडरेशन सॉल्यूशन का मीन्स होता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि हमारे पास कोई बीकर है, इसमें हमने क्या किया है, वाटर ऐड किया प्लस इसमें हमने शुगर ऐड की। ठीक, अब हमने क्या बन गया, हमारे पास एक सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया हमारे पास, एक सॉल्यूशन बन गया। मींस एक वाटर में हमने क्या ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दिया, तो उनको मिक्स किया तो हमारे पास क्या फॉर्म की हो गया, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के बीच दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं सॉल्यूट और दूसरे होते हैं सॉल्वेंट। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था सॉल्यूट कौन से होते हैं। इस यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट कौन है, शुगर। ठीक, जो अपने से किसी को चीज़ में मिलाते हैं, शुगर को हम किसी चीज़ में मिलाते हैं वो क्या है, सॉल्यूट। और किससे हम, जिसमें हम मिलाते हैं वो कौन है, सॉल्वेंट। मींस वाटर, वाटर क्या है हमारा, सॉल्वेंट। जिससे जिसमें हम मिलाते हैं वो है सॉल्वेंट, जिसको मिलाते हैं वो है सॉल्यूट। मींस वाटर क्या है हमारा, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, और वो शुगर क्या हमारी, सॉल्यूट है। अगर हमारी सॉल्वेंट ज़्यादा होगा तो हमारी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस दो टाइप से होते हैं, जैसे यहाँ पर बोला गया है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। कितने डिपेंड करते हैं, कितनी सॉल्यूट प्रेजेंट है हमारी सॉल्यूशन में, इट इज़ कॉल्ड ए डिल्यूट कंसंट्रेशन। डिल्यूट कहते हैं जहाँ उसमें कंसंट्रेशन, या सर डिल्यूट किसे कहते हैं, डिल्यूट हम उसे कहते हैं जिसमें क्या होगा, हमारे सॉल्वेंट की मात्रा जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगी, जिसमें सॉल्वेंट हमारे ज़्यादा होंगे किससे, सॉल्यूट से, उसे हम क्या बोलते हैं, डिल्यूट। उसे हम क्या बोलते हैं, डिल्यूट। ठीक, और जिसमें सॉल्वेंट हमारे कम होंगे उसमें हम क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन। सपोज जैसे हमारे पास दो बीकर है, इनमें वाटर ऐड किया हमने, वाटर H2O ऐड किया दोनों में, एक में हमने 10 लीटर वाटर में हमने 2 ग्राम शुगर ऐड की, एक है हमारा डिल्यूट। ठीक, जिसमें हमने सॉल्वेंट की मात्रा को ज़्यादा लिया है वो क्या है, डिल्यूट। और जिसमें हमने सॉल्यूट की मात्रा को ज़्यादा लेंगे, सॉल्यूट की मात्रा को ज़्यादा लेंगे, हम 10 ml लेंगे, लेकिन हम 10 लीटर तो लेंगे, लेकिन हम क्या लेंगे, शुगर कितनी लेंगे, 8 ग्राम ले लेंगे, उससे डिल्यूट से ज़्यादा ले लेंगे, तो उससे क्या बोलेंगे हम, कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन कौन सा हो गया, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा, जैसे शुगर की मात्रा ज़्यादा हो, पानी कम हो, उसे हम बोलते हैं कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन। जिसमें पानी ज़्यादा हो, शुगर कम हो, उसे हम बोलते हैं डिल्यूट। एक वर्ड हो रहा है हमारे पास, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें कोई भी चीज़ घुलना बंद हो जाए। जैसे हमारे पास ये बीकर है, अगर यहाँ पर 10 लीटर पानी है, इसमें हमने 1 किलो खंड घोल दी, तो इसके बाद ये घुलना बंद हो जाए, उसे हम बोलते हैं, एक पॉइंट ऐसा आ जाए जहाँ पर चीनी घुलना बंद हो जाए, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक फिक्स टेम्परेचर पर, अगर हम फिक्स मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पर हमने देख लिया कि हमारा 100 ml हमारी जो हम 1 किलो खंड है वो घुल गई है, और इससे ज़्यादा अब टेम्परेचर अगर इनक्रीज़ करेंगे तो खंड हमारी और घुल सकती है, लेकिन अगर हम इनमें कोई भी चीज़ हम उसका टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे, एक फिक्स टेम्परेचर है, तो उसमें एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर चीनी हमारी
घुलना बंद हो जाएगी, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डिल्यूट एंड कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म इन एक्टिविटी 2.2। द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय ए ग्रुप ए डिल्यूट एज कंपेयर टू द ऑब्टेन बाय ग्रुप बी, मीन्स जो कंसेंट्रेशन और डिल्यूट है एक दूसरे से कंपैरिजन होते हैं, जिसमें क्या होता है कि डिल्यूट वो होता है जिसमें क्या है सॉल्वेंट ज़्यादा होते हैं, कंसेंट्रेशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होते हैं। तो हमें एक्टिविटी में भी हमें यही दिखाया गया जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ठीक, नेक्स्ट, इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड सुगर्स और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट गिवन टेम्परेचर द सेम एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, सोल्यूशन दैट डिजॉल्व ए मच सोल्यूट एज इट इज कम्पेबल डिजॉल्विंग इज सेट टू बी ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। मीन्स सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या हो गया, एक फिक्स टेम्परेचर से जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से कोई चीज़ हमारी क्या हो जाए सोल्यूशन दे विच डिजॉल्व, जो डिजॉल्व एज मच सोल्यूट एज इट कंपेबल डिजॉल्विंग हो जाए, भी उसका घुलना बंद हो जाए एक फिक पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो उन्होंने आप बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। इन अदर वर्ड्स व्हेन वी नो मोर सोल्यूट, मीन जिसमें और ज़्यादा सोल्यूट को आप ऐड ना कर सके सोल्यूशन दे विच, उसे हम क्या बोलते हैं एक फिक्स टेम्परेचर पर उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट द टेम्परेचर इज कॉल्ड ए सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी क्या होती है, जिस पर कोई चीज़ एक फिक्स टेम्परेचर पर सैचुरेट सोल्यूशन बन जाती है, सैचुरेट मीन के घुलना बंद हो जाए जो अब हमारे सोल्यूशन पर, उसे हम क्या बोलते हैं सोल्युबिलिटी। मीन्स हम उसको टेम्परेचर चेंज करने पर भी एक फिक्स गिवन टेम्परेचर पर उसे चेंज करें और उसके बाद हम उसमें कुछ भी घोलने की कोशिश करें वो घुलना, जब एक पॉइंट फिक्स पॉइंट आ जाए घुलना बंद हो जाए उस पॉइंट को हम बोलते हैं सॉलिबिलिटी। मीन सैचुरेशन पॉइंट क्या है, जिसमें वो घुलना बंद हो जाए, केड़े जो पॉइंट आ जाता घुलना बंद हो जाता उस पॉइंट को आप कहते हैं सॉलिबिलिटी। ठीक, एक फिक्स पर्टिकुलर टेम्परेचर थे। इट इज द इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन इन ए सोल्यूशन इज लेस दैन सैचुरेशन लेवल इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हमें पता ही लग गया, सैचुरेशन कौन सा हो गया जिसमें घुलना बंद हो जाए, अनसैचुरेशन सोल्यूशन कौन सा हो गया जिसमें घुलना बंद ना हो, जिसमें हम और ऐड कर सके शुगर को, और ऐड करी चले टेम्परेचर हम इंक्रीज करी चले, तो उससे हमें क्या मिलता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। वट वुड हैपन्स इफ यू वेयर टू टेक ए सैचुरेटेड सोल्यूशन एट ए सर्टन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। तो अगर हम सैचुरेशन सोल्यूशन में क्या करते हैं, कोई भी सॉलिड चीज़ डालते सी सोल्यूशन में, तो क्या करते हैं कि फिक्स अब क्या करेंगे हम उन्हें कूल करना शुरू करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू करेंगे, तो हमें क्या वो एक सॉलिड की फॉर्म में हमें नीचे सेटल डाउन होते हुए सॉल्ट मिलेंगे। वी कैन इंफ्रा फ्रॉम द अबव एक्टिविटी द डिफरेंट सब्सटेंस इन ए गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉलिबिलिटी एट द सेम टेम्परेचर। The concentration solutions is the amount of mass or volume of solute present in given amount mass or volume of solution. Means क्या होता है हमारे हम concentration solution हमने देखा था जिसमें क्या होगा, जिसमें हमारे पास सोल्यूट की अमाउंट क्या हो जाएगी, जिसमें इंक्रीज हो जाए सोल्यूट की अमाउंट, जब इंक्रीज हो जाए ज़्यादा हो किसके मीन्स सोल्यूशन क्या होगी हमारी, ये कंसंट्रेशन क्या हमें बताती है, जिसमें सोल्यूट बाई सोल्यूशन, जिसमें सोल्यूट क्या होंगे हमारे जैसे चीनी होगी, सोल्यूशन क्या होगा दोनों का मिक्सर, पानी में हमने क्या ऐड की शुगर। ठीक, अब हम इनकी बात करेंगे। देयर आर वेरियस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बाई देयर हेयर वी वेल लर्न ओनली थ्री मैथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। तो फर्स्ट हमारे किसकी बात करेंगे मास परसेंटेज की, तो किसकी इक्वल होती है हमारी मास परसेंटेज, मास सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूट बाय हमारा मास ऑफ सोल्यूशन, मल्टीप्लाई करेंगे हम इन्हें 100 से, तो ये हमारा क्या आएगा मास परसेंटेज। नेक्स्ट है हमारा मास वॉल्यूम परसेंटेज, पहले हमने क्या निकाल ली मास परसेंटेज, अब हम क्या निकालेंगे वॉल्यूम, तब हमने क्या मास ऑफ सोल्यूट बाय हमारे क्या होगा वॉल्यूम इनटू 100। अगर हमने वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन निकालना है
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का निकालना है तो वॉल्यूम सोल्यूट का होगा और वॉल्यूम सोल्यूशन का होगा मल्टीप्लाई 100। ये हमारे तीन फार्मूले हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। ए सोल्यूशन कंटेन 40 केजी ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 केजी ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास एंड बाय मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन। मास बाय मास परसेंटेज का हमने क्या देखा था, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन। तो फर्स्ट हमें मास ऑफ सोल्यूट कितना देता, 40 ग्राम दिया हुआ है, और मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का कितना है, 320 ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों से सोल्यूशन बनता है। 40 + 30 कितना आ गया, 360। अब हमने मास परसेंटेज निकालनी है तो मास बाय सोल्यूट मास बाय सोल्यूशन इनटू 100। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 11.1%। अब देखेंगे व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होती है, सस्पेंशन वो होती है जिसमें हमें कोई चीज़ है जो एक किससे बनी होती है, हेट्रोजीनियस होती है। मेन जैसे हम एक बीकर लें, उसमें हम चीनी डाल दें, उसमें हमने रेत डाल दिया, उसमें हम बेरियम सल्फेट डाल दिया, तो ये क्या होती है, नॉन होमोजीनियस होती है। ठीक है, मींस जब हम देखे, जो हमें निकट आई से देखे जा सके, जो इनके पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि हम निकट आई से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं, तो नींबू जो हम वाटर में जो हम पहले शुगर ऐड करते हैं, फिर हम उसमें नींबू निचोड़ते हैं, तो नींबू के जो छोटे छोटे पार्टिकल वो हम बिना पुणे हम देखे तो हमें वो दिख जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। ठीक है, वो सस्पेंशन के पार्टिकल जो पार्टिकल्स हो गए, जो नींबू के छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें दिखते हैं, जो सोल्यूशन है वो प्रॉपर वो क्या बन जाता है, सस्पेंशन। ये क्या है, नॉन होमोजीनियस होते हैं। नॉन होमोजीनियस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन ग्रुप सी एक्टिविटी 2.2 इन विच सॉलिड आर डिस्पेयर्स इन लिक्विड्स आर कॉल्ड सस्पेंशन। ठीक, सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सर इन विच सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट ए डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल नेकेड आई। जो हमें पार्टिकल नेकेड आई से दिख जाएं, जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि हम एक वाटर में क्या है, शुगर भी ऐड कर दें उसमें, फिर हम नींबू निचोड़ देते हैं, साल्ट भी ऐड कर देते हैं, तो जो हमें जो बिना पुणे हम जो नींबू हमें वाटर में दिखते हैं वो क्या है, सस्पेंशन पार्टिकल्स। और जो प्रॉपर जो सोल्यूशन हुआ होता है वो होता है सस्पेंशंस। क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज फर्स्ट होती है, ये हेट्रोजीनियस सोल्यूशन होता है। मीन जैसे हम एक बीकर में वाटर में चीनी ऐड कर दे, नमक ऐड कर दे, सर्फ ऐड कर दे, सभी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स है। ठीक, सेकेंड द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन द नेकेड आई। हम इन्हें नंगी आंखों से देख सकते हैं, नॉर्मल आई से हम देख सकते हैं। द पार्टिकल सस्पेंशन स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, इट मेक इट पास विजिबल। मीन्स हम बीकर में जब इनमें लाइट पास कराते हैं तो उसमें क्या है, हमें बीम ऑफ लाइट हमारी क्या होते हैं, पार्टिकल्स बड़े होते हैं। क्या पार्टिकल्स में बड़े होते हैं, जब हम लाइट जहाँ पर लाइट आती है तो वे रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो हमें नेकेड आई से दिख जाते हैं। मीन्स बीम ऑफ लाइट स्कैटर हो जाती है तो हमें पार्टिकल्स दिखते हैं। लेकिन अगर ये पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाए, जैसे वाटर में हम रेत को ऐड कर दें, तो इसके बिना डिस्टर्ब किए हम इन्हें एक साइड में रख दें, तो पार्टिकल नीचे ऐड हो जाएंगे। जब हम लाइट पास कराएंगे तो हमें कुछ भी विजिबल नहीं होगा। तो इसे हम किस प्रोसेस से देख सकते हैं, इसे हम फिल्टराइजेशन कर सकते हैं। तो वो हमारे जो मिट्टी होगी वो हमारे फिल्टर के ऊपर आ जाएगी और पानी हमें नीचे चला जाएगा, तो इससे हम तरफ फिल्ट्रेशन हो जाएगी। तो अगर हम इससे वाटर में पार्टिकल मूव करते हैं तो हमारी जो लाइट है पास होती है, अगर पार्टिकल मूव नहीं होते तो हमारी लाइट भी पास नहीं होती। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज द क्लाइडर सॉल्यूशन। क्लाइडर सॉल्यूशन क्या होता है, क्लाइडर सॉल्यूशन वो होता है जो एक तरफ से धुंधला टाइप। ठीक, जो हमें एक बीकर में जैसे वाटर डाला, वाटर में हम इंक डाल दें, इंक हमें क्या एक धुंधला पानी को क्या कर देती है, धुंधला शेप दे देती है। मीन्स होमोजीनियस कह सकते हैं हम, एक यूनिफॉर्मली होती है, एक सार सॉल्यूशन होता है।
मीन द मिक्सर ऑब्टेन बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड क्लाइडल और क्लाइडल सोल्यूशन. द पार्टिकल ऑफ ए क्लाइडल आर यूनिफॉर्मली सेपरेट थ्रू आउट द सोल्यूशन. मीन्स सारे पार्ट जो क्लाइडल के पार्ट सोल्यूशन में होता है उसमें एक सार सभी पार्टिकल डिवाइड हो जाते हैं. मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर इक्वली होती है, यूनिफॉर्मली होती है सोल्यूशन में. ड्यू टू रिलेटिव स्मॉल उनका साइज बहुत छोटा साइज छोटा होता है. इसके कंपेरिजन जो सस्पेंशन था उसके पार्टिकल्स नेकेड आई से हम देख सकते थे, लेकिन हम क्लाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल को नेकेड आई से नहीं देख सकते. द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस. जो क्लाइडल के सोल्यूशन का जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस होता है. जैसे हमने इंक में वाटर में इंक को डाला, एक होमोजीनियस है. अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो उसमें हमने नमक डाला और साल्ट नमक डाला और हमने शुगर डाली और इसमें हमने नींबू पानी नींबू को निचोड़ा. मीन्स डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हो गए. बट जो क्लाइडल सोल्यूशन होता है उसमें एक ही टाइप के होते हैं जो होमोजीनियस होते हैं और यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं. बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ क्लाइडल्स होमो बट एक्चुअली क्लाइडल सोल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, अगर हम देखें तो मिल्क हमें क्या लगता है कि होमोजीनियस है, बट अगर हम उनके देखें तो वो उसमें दो तीन चीज़ों ऐड होती है. बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ क्लाइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी द निकड़े. हम इन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते. बट दीज पार्टिकल कैन ईजिली स्कैटर बीम ऑफ लाइट विजिबल लाइट ऑब्जर्व इन एक्टिविटी टू. तो दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टिंडल इफेक्ट. ठीक, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? द आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट डिस्कवर द दिस इफेक्ट. तो जो हमें जब हम एक बीकर लेते हैं और उसमें हमने होमोजीनियस सोल्यूशन लेते हैं और यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है, अगर हम उसमें लाइट पास करते हैं तो उससे हमें क्या होता है, उसका शेडो हमें दिखाई देता है. मीन्स हमें जो बीम ऑफ लाइट है वो पास होती है, मीन्स लाइट हमें विजिबल हो जाती है. तो इससे ये क्या किसने इस को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जो बीम ऑफ लाइट को एंटर करा दे अपने रूम थ्रू ए स्मॉल होल्स के विचों, उसे हम क्या बोलते हैं, और उस ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ पार्टिकल डस्ट पर एंड स्मोक इन द एयर. जो हमारे बीम ऑफ लाइट सो पार्टिकल जो स्कैटरिंग हो जाए, जो हमें विजिबल हो जाए पार्टिकल्स, उसे हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट. किसकी वजह से होती है, टिंडल इफेक्ट. जैसे हम एक रोशनदान से हम लाइट रोशनी आती है हमारे रूम में, तो रोशनी में जो आती है तो जो लाइट होती है उसमें क्या हमें पार्टिकल नज़र आते होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं. तो उससे हमें किसकी वजह से होते हैं, टिंडल इफेक्ट की वजह से होते हैं. ठीक, अगर हम स्मोक में देखें तो उसमें भी क्या है, हमें पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखते हैं. तो उस किसके रीजन करके, टिंडल इफेक्ट करके. जैसे हम जंगलों में भी देखते हैं, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व इन सनलाइट पास थ्रू द canopy of a dense forest. In the forest must contain tiny droplet of water which act as a particle of cloudal disappear in air. जैसे कि जंगलों में भी जहाँ पर हमने डायग्राम में शो किया गया है, जैसे यहाँ पर क्या बन रहा है, टिंडल इफेक्ट, जहाँ पर कि हमें पार्टिकल जो हमें विजिबल हो रही है लाइट, उसमें पार्टिकल्स. प्रॉपर्टीज ऑफ क्लाइडल. प्रॉपर्टीज ऑफ क्लाइडल, क्लाइडल के उसका सोल्यूशन क्या होता है, एक तो होमोजीनियस होता है, दूसरा हम इन्हें निगड़ाई से नहीं देख सकते, तीसरी बात स्कैटरिंग बीम लाइट पास थ्रू इन पाथ हमें क्या होता है, जो स्कैटरिंग होती है इनका पाथ हमें विजिबल हो जाता है. डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब दैट क्लाइड इज क्वाइट स्टेबल. मीन्स हम क्या करते हैं, हमने देखा था कि जब हम पार्टिकल्स को हमने सस्पेंशन में क्या देखा था कि हमने जब उनमें पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते तो उसमें जो बीम ऑफ लाइट है जो पास नहीं होगी. बट दे डू नॉट स्टेल डाउन बट लेफ्ट अनडिस्टर्ब देट क्लाइड इज क्वाइट स्टेबल होगी. तो इसमें क्या देखा था हमने, फिल्टराइजेशन होती है. इसमें हमने क्या देखा कि सेंट्रीफिकेशन की प्रोसेस से हम इन्हें कर सकते हैं अलग, लेकिन वहाँ पर सस्पेंशन में हमने क्या देखा था, हम इन्हें फिल्टराइजेशन, उसमें हमने फिल्टराइजेशन मेथड यूज़ किया था. अब इसमें हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, सेंट्रीफिकेशन. अब इसमें फिल्टराइजेशन मेथड को से नहीं होता. दी कैन नॉट बी स्प्रेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टराइजेशन बट ए स्पेशल तकनीक ऑफ सेपरेशन नॉन ए सेंट्रीफिकेशन. तो इसे किसे किया जाता है, सेंट्रीफिकेशन से. द कंपोनेंट ऑफ क्लाइडल सोल्यूशन आर डिस्पेयर फेस एंड डिस्प मीडियम. मीन्स क्या होते हैं, जो क्लाइडल सोल्यूशन कौन से होते हैं, डिस्प फेस एंड डिस्प मीडियम में होते हैं. सोल्यूट लाइक कॉम्पोनेंट और द डिस्पेयर पार्टिकल्स इन ए क्लाइडल फॉर्म द डिस्पेयर फेस. द कॉम्पोनेंट इन विच डिस्पेयर फेस एंड सस्पेंशन इज नॉन एज डिस्पेयर मीडियम. क्लाइडल आर क्लासीफाइड, क्लाइडल को
थ्री टाइप में क्लासीफाई किया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसमें डिस्पियर मीडियम और डिस्पेस में रखा जाता है। कॉमन एग्जाम्पल इन गिवन टेबल्स, फ्रॉम द टेबल यू कैन सी दैट आर वेरी कॉमन एवरी डे लाइफ। जैसे हमारी क्या फॉर्म है, फॉर्म क्या होती है, वैसे तो सॉलिड होती है फॉर्म, फॉर्म क्या होती है, वैसे तो सॉलिड होती है, बट उसमें अंदर क्या होती है, गैस। ठीक, जैसे रबर, स्पंज, ठीक, फॉर्म इस तरह। ठीक, सॉइल क्या होती है, वैसे लिक्विड होती है, इसमें क्या होती है, सॉलिड। ठीक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मूड, जेल जैसे सॉलिड होती है उसमें, बट वो हमें क्या, डिस्पर्शन फेस कौन सा होता है, लिक्विड, डिस्पर्शन मीडियम केड़ा होता है, सॉलिड। और जैसे जेल, चीज़, बटर। ठीक, थैंक यू।